नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच जल्द ही बाजारों में वैक्सीन आने की उम्मीद है। फाइजर ने अपनी वैक्सीन के लिए भारत में इमरजेंसी अप्रूवल मांगा है। हालांकि उसके वैक्सीन की कीमत 1450 रुपए प्रति डोज के आसपास रहने की उम्मीद है। फाइजर ने कहा है कि यदि सरकार के बड़े पैमाने पर कोई सप्लाई डील हुई तो कीमत कम भी हो सकती है। फिलहाल इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। दूसरी तरफ सीरम इंस्टीट्यूट के टीके की कीमत 250 रुपए हो सकती है। केंद्र सरकार के साथ कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने वाली है। हाल ही में भारत बायोटेक के मैनेजिंग डायरेक्टर कृष्णा एल्ला ने कहा है कि कोवैक्सीन की कीमत भारत में कम ही रखी जाएगी। ऐसा माना जा रहा है कि भारत की एक बड़ी आबादी को वैक्सीन देने के लिए बड़ी मात्रा में इंजेक्शन और सिरिंज की जरूरत पड़ेगी। हालांकि इसकी तैयारी पूरी करते हुए सरकार ने दो कंपनियों हिंदुस्तान सिरिंजेज एंड मेडिकल डिवाइसेस HMD और इस्कॉन सर्जिकल्स को 23 करोड़ सिरिंज के ऑर्डर दिए हैं। बताया जा रहा है कि इन दोनों कंपनियों ने अब तक 9 करोड़ सिरिंज का उत्पादन कर लिया है। मार्च 2021 तक 23 करोड़ सिरिंज का ऑर्डर भी पूरा कर लिया जाएगा। भारत में सबसे पहले फाइजर बायोएनटेक ने अपनी वैक्सीन को आपात इस्तेमाल के लिए मंजूरी मांगी थी। हालांकि फाइजर वैक्सीन को लेकर के सरकार को शंका है। दरअसल फाइजर की वैक्सीन -70 डिग्री तापमान में रखी जा सकती है। ऐसे में इस तरह की फ्रीज की उपलब्धता कम होने के कारण फाइजर वैक्सीन का भारत के गांव में पहुंचना मुश्किल लग रहा है। वहीं फाइजर का कहना है कि वह भारत जैसे देशों के लिए अलग से काम कर रही है। फाइजर का कहना है कि इसके लिए वह एक अलग फॉर्मूले पर काम कर रही है। ऐसे में इसके लिए डीप रेफ्रिजरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसे सामान्य रेफ्रिजरेटर में भी रखा जा सकेगा। फाइजर के साथ अब तक 3 बड़ी फार्मा कंपनियों ने भारत में वैक्सीन के आपात इस्तेमाल के लिए आवेदन किया है। हालांकि बताया गया है कि इन संभावित वैक्सीनों को मंजूरी देने से पहले एक्सपर्ट कमेटी ने कंपनियों से इनके ट्रायल से जुड़ा ज्यादा से ज्यादा डेटा मांगा है। सूत्रों का कहना है कि वैक्सीन की क्षमताओं को परखने में जुटी एक्सपर्ट कमेटी की बैठक हुई। इसमें कमेटी ने अगले बैठक तक कंपनियों से ज्यादा डेटा की मांग रख दी। कंपनियों द्वारा दी गई जानकारियों को आधार बनाकर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DGCI से वैक्सीन को मंजूरी देने की सिफारिश की जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 1 हफ्ते से ज्यादा का समय लग सकता है। एक्सपर्ट्स कमेटी की बैठक में सीरम इंस्टीट्यूट को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी AstraZeneca की वैक्सीन कोविशील्ड के Phase 2 और Phase 3 के क्लिनिकल ट्रायल्स का डेटा देने के लिए कहा गया है। खास बात यह है कि इसमें ब्रिटेन में हुए ट्रायल्स का भी कुछ डेटा मांगा गया है। बताया गया है कि सीरम इंस्टीट्यूट ने सिर्फ 14 नवंबर तक का ही डेटा जमा किया था। वहीं भारत बायोटेक ने सिर्फ Phase 1 और Phase 2 से जुड़ा सुरक्षा डेटा ही मुहैया कराया। भारत बायोटेक फिलहाल देश में तीसरे फेज के ट्रायल्स कर रहा है। सूत्रों का कहना है कि दोनों ही कंपनियों ने अगले तारीखों तक वैक्सीन का डेटा उपलब्ध कराने की बात कही है। इस तरह से देखा जाए तो कोरोना वायरस से बचने के लिए भारत में जो वैक्सीन आने वाले हैं उनका सिर्फ अनुमानित कीमत सामने आया है। हालांकि भारत में वैक्सीन की कीमत क्या होगी यह तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। इसके लिए हमें कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा। एक बात और, जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक बचाव ही एकमात्र उपाय है। कोरोना से बचने के लिए सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किया है उस पर अमल करना बहुत जरूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। धन्यवाद।